हैं हम नोटिस की फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको नोटिस का फॉर्मेट बताया था, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू आर अंकित गुप्ता, आप अंकित गुप्ता हो। ये जो चीज अंडरलाइन कर रहा हूं उनको ध्यान रखना है कि आप अंकित गुप्ता हो एंड यू हैव फाउंड ए स्कूल बैग इन योर स्कूल लैब एंड यू हैव फाउंड, तुमको मिला, क्या मिला, ए स्कूल बैग। कहां मिला? स्कूल बैग मिला स्कूल लैब में। ओके, अब आपको एक नोटिस तैयार करना है जो लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम से होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप देखिए 2016 एमपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। अब आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। अगर आपको, आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो से पहले जाकर आप इससे पहले वाली वीडियो जिसमें नोटिस का फॉर्मेट बताया गया था कि कौन सी जगह कौन सी चीज आती है, तो उसको पहले देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन पे आइए आप, है ना। चलिए, और उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि सबसे ऊपर आता है नेम ऑफ अथॉरिटी, उस अथॉरिटी का नाम जो ये नोटिस इश्यू कर रही है। तो यहां देखिए आपका जो आपको फाउंड हुआ है स्कूल बैग, इसका मतलब आपको स्कूल में मिला है, यानी ये नोटिस कौन लिखेगा, मतलब स्कूल से इश्यू किया जाएगा, और स्कूल से इश्यू किया जाएगा तो स्कूल का नेम आएगा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अंबा, है ना। तो पहली चीज समझिए, जिस स्कूल का नेम आएगा उसमें आपका स्कूल जहां भी है उसका नेम होना चाहिए। और ये स्कूल का नेम अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि क्वेश्चन में दिखा हुआ है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल रीवा दिया है, डीपीएस दिया है, तो उस स्कूल नेम को यहां लिखिए। आपने यहां देखा स्कूल नेम दिया ही नहीं है, तो अपने अपने स्कूल का नाम भी आप डाल सकते हो। सेकेंड लाइन में कैपिटल लेटर में नोटिस, ठीक है। थर्ड लाइन में नीचे वाली में डेट, लेकिन बिना डेट डाले, डेट डाल के नहीं करना। और डेट कैसे लिखोगे, 16th, है ना, फेब्रुवरी कंप्लीट लिखोगे, कॉमा 2022, ओके 2022। उसके बाद आएगा आपका टाइटल। टाइटल क्या है, यहां क्या चीज हो रही है, या कुछ आपको मिला है, यानी टाइटल आपका क्या रहेगा, लॉस्ट एंड फाउंड। तो इस टाइटल को एकदम ध्यान रखना है, ओके, कि टाइटल क्या रहेगा, लॉस्ट एंड फाउंड। अब चलिए इसकी मेन बॉडी में आपको क्या याद करना है वो समझिए कि ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल मीन्स सभी स्टूडेंट्स को, सभी छात्रों को ऑफ अवर स्कूल, हमारे स्कूल के, आर इनफॉर्म्ड, सूचित किया जाता है, यानी हमारे स्कूल के सभी छात्रों को इनफॉर्म किया जाता है दैट की आई हैव फाउंड ए ब्लू एंड रेड कलर स्कूल बैग, कि मुझे मिला, फाउंड मीन्स मुझे मिला एक ब्लू और रेड कलर का स्कूल बैग। इजी है, कहां मिला, अब ये लिखा हुआ है स्कूल लैब में, तो लिख दो इन द स्कूल लैब। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि जो आपको बैग मिला है सियोरिटी के लिए कि भाई उसी इंसान का है, कि उस बैग में क्या क्या रखा था, क्योंकि जिसका खोया है उसको पता होगा कि इट कंटेन्स, उसमें रखा है ए पिंक टिफिन बॉक्स, एक पिंक कलर का टिफिन बॉक्स एंड ए रेड वॉटर बोटल, और रेड कलर की पानी की बोटल। ओके, तो आपने क्या बोला, ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कहां के, ऑफ अवर स्कूल, उनको इन्फॉर्म किया जाता है, आर इन्फॉर्म्ड, ये पैसिव वॉइस बनाया गया है, इन्फॉर्म किया जाता है दैट की आई हैव फाउंड, मुझे क्या मिला, एक ब्लू एंड रेड कलर का स्कूल बैग, कहां मिला, इन द स्कूल लैब में, उसमें क्या रखा है, इट कंटेन्स ए पिंक टिफिन बॉक्स, कुछ भी लिख दो, एंड ए रेड वॉटर बोटल। उसके बाद द वन, वो कोई इंसान, हु हैज लॉस्ट इट, जिसने इसको खोया था, यानी जो इसको खो चुका है, द वन, वो कोई इंसान, हु हैज लॉस्ट इट, जो इसको खो चुका है, कैन कम, वो आ सकता है, एंड कलेक्ट, और ले जा सकता है इट, इस बैग को, कहां से, कुछ भी लिख दो, कि फ्रॉम द लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन, या फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस, या फ्रॉम द स्कूल ऑफिस, लेकिन कब, ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, स्कूल के घंटों के दौरान, यानी जब स्कूल चल रहा हो उस टाइम पे वो ले जा सकता है। उसके नीचे आपको मैंने बताया था यहां आपका नेम आता है, आपका नेम क्या था, अंकित गुप्ता, तो आपने लिख दिया अंकित गुप्ता, क्लास 12th। उसके बाद लास्ट में आपकी डेजिग्नेशन आती है, क्या आती है, डेजिग्नेशन, यानी आपका पद, आप स्कूल में क्या हो, लिखा है कुछ, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल, नहीं, अब नहीं लिखा तो इसका मतलब आप स्कूल के स्टूडेंट तो हुई, तो लिख दो ए स्टूडेंट। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट, मैंने, मुझे मिला, आई हैव फाउंड ए ब्लू एंड रेड कलर स्कूल बैग, कहां मिला, इन द स्कूल लैब,
उसमें क्या रखा था, पिंक टिफिन बॉक्स एंड रेड वाटर बोटल। अगर कोई जिसने ये खोया है, द वन हु हैज लॉस्ट इट, जिसने ये खोया है, कैन कम एंड कलेक्ट इट, वो ले जा सकता है फ्रॉम द स्कूल ऑफिस, कब, ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स। ठीक है, ये एमपी बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाउंड का, और एक क्वेश्चन इसका मैं और कराने वाला हूं, वो है लॉस्ट का। तो लॉस्ट एंड फाउंड का, एक फाउंड का क्वेश्चन, एक लॉस्ट का क्वेश्चन, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको डिबेट कॉम्पिटिशन का, और ये तीनों क्वेश्चन एमपी बोर्ड इस साल के लिए 2022 के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज वीडियो को आगे तक पहुंचाओ, शेयर करते रहिए, है ना, और जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख पाएंगे, जो टेंशन ले रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें क्या तैयार करें, उनको ये वीडियोस पहुंचा दीजिए, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।